भाई साहब यहाँ पे आप लोगों को पता ही है हमारी गेम का अपडेट आने वाला है। तो मैं यहाँ पे इन डिटेल में समझाने जा रहा हूँ कि अपडेट कितने बजे आएगा और अपडेट के बाद आपको क्या क्या चेंजेस और क्या क्या फ्री के रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। भाई साहब कमेंट में रेडीम कोड की लिंक है, वो लिंक पे क्लिक करके आप वेबसाइट पे आ जाओ और रेडीम कोड जल्दी से ले लो, अभी के अभी जाओ, रेडीम कोड की लिंक कमेंट बॉक्स में है। तो भाई साहब यहाँ पे सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे अपडेट के बाद आप लोग पहला इवेंट देखने मिलने वाला है, वो है हमारा स्पाइडरमैन का। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, स्पाइडरमैन का नया इवेंट स्टार्ट हो रहा है 2 जून से। 2 जून को हमारी के अंदर इवेंट का कैलेंडर भी आएगा और पूरे रिवॉर्ड आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या फ्री रिवॉर्ड मिलने वाला है और इवेंट कैसे कंप्लीट करना है, वो भी आपको बहुत ही कम टाइम में बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि भाई यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त रिवॉर्ड मिलने वाले हैं। स्पाइडरमैन के बंडल और स्पाइडरमैन का इमोट आपको फ्री में मिलने वाला है। और साथ साथ में आपको बता दूं, अपडेट के बाद आप लोगों को ग्लू वॉल मेकर का एक इक्विपमेंट मिलने वाला है। मतलब यहाँ पे हमारे गेम के अंदर ये सबको मिलेगा। ये इक्विपमेंट से आपको होगा क्या, तो यहाँ पे ग्लू वॉल मेकर से आप लोग को एक ग्लू वॉल बिल्कुल फ्री में मिलेगा। देख सकते हो एक ग्लू वॉल आप लोग को सबको फ्री में पहले से मिला रहेगा, जिससे आप देख सकते हो ये रहा हमारा ग्लू वॉल मेकर। इससे आप 4 ग्लू वॉल ले सकते हो फ्री में, मतलब यहाँ पे आपको उठाना नहीं है। ये जो इक्विपमेंट है 4 ग्लू वॉल आपको बना के देगा। जैसे आपको ग्लू वॉल जो वाला पेट था, जो ग्लू वॉल बना के देता था, वो पेट से आपको 2 ग्लू वॉल मिलता था, लेकिन ये ग्लू वॉल मेकर से आपको ऑटोमेटिक धीरे धीरे ये टाइमर कंप्लीट होगा और आपको 4 ग्लू वॉल मिल जाएगा, देख सकते हो इस तरीके से। और इसको अपग्रेड भी कर सकते हो। अपग्रेड करने से यहाँ पे अपग्रेड करने के बाद अपने ग्लू वॉल का जो लेवल है वो बढ़ा सकते हो, मतलब ज्यादा ग्लू वॉल आप बना सकते हो ये लेवल अपग्रेड की मदद से। तो ये आपको वेंडिंग मशीन में मिलेगा। और इसी के साथ साथ में यहाँ पे आप लोग को बता दूं, यहाँ पे हमारा जो अपडेट आ रहा है वो है 31 मई, मतलब कल के दिन 31 मई को सुबह 9:30 बजे अपडेट आएगा। और ये टाइम आपको बता दूं, अपडेट जो आएगा इसमें आपका गेम बंद नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और एक और यहाँ पे खुशखबरी है, अगर आपने अपडेट नहीं किया है तो जरूरी नहीं है आपको अपडेट करना, आप पुराना वर्जन भी खेल सकते हो, लेकिन 2 तारीख तक 3 तारीख को आपको गेम को अपडेट करना पड़ेगा। और ये ऐसा पहली बार हो रहा है कि हमारा जो गेम है बंद नहीं रहेगा और जो पुराना वर्जन है वो चलेगा, बिना अपडेट करे हुए आप गेम प्ले भी कर सकते हो। और अपडेट करोगे तो आपको जो नए नए चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग को क्विक मैसेज का नया सेक्शन देखने मिलने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा मैसेज वाला सिस्टम है ना, यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आप लोग को दिखेगा ये क्विक मैसेज का ऑप्शन, और यहाँ पे आप लोग को अपने हिसाब से जो भी फेवरेट मैसेज है वो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेट करके रख सकते हो अपने लिए, जिससे आपको गेम खेलते वक्त जो भी अपने प्लेयर को मैसेज देना है, बोलना है, वो बोल सकते हो इजीली। और इतना ही नहीं, यहाँ पे आपको बता दूं हमारे गेम के अंदर यहाँ पे आप लोग को नया मैजिक क्यूब बंडल देखने मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बंडल अपडेट के बाद मतलब 31 मई को सुबह 9:30 बजे आपको नए नए बंडल गेम के अंदर देखने मिलने वाला है। और आपको बता दूं हमारे गेम के अंदर अचीवमेंट नया सिस्टम आ रहा है, और यहाँ पे आप आओगे फ्री फायर लोगो पे तो यहाँ पे आप लोग को अचीवमेंट वाला सिस्टम देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे मिशन, और ये अचीवमेंट कंप्लीट करने पे आप लोग को बहुत सारे अलग रिवॉर्ड जैसे ग्लू वॉल है, गाड़ी की स्किन है, बंडल्स है और गन की स्किन है, ये सब मिलेगा। और इसी के साथ क्लैश स्क्वाड के अंदर चेंजेस लाया गया है। यहाँ पे आपको सीएस के अंदर डुओ एक्टिव स्किल का एक नया सिस्टम देखने मिलने वाला अपडेट के बाद। मतलब यहाँ पे आप सीएस रैंकर के अंदर 2 एक्टिव स्किल लगा के खेल सकते हो गेम। और यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पे क्रोनो और दिमित्री दोनों एक्टिव स्किल है, और यहाँ पे वुकोंग या जो भी आप कैरेक्टर लेना चाहते हो 2 एक्टिव स्किल के कैरेक्टर लेके खेल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पे क्रोनो और दिमित्री की दोनों की स्किल यहाँ पे चालू करके सीएस रैंकेड के अंदर आप गेम का ले सकते हो बहुत ही अलग लेवल का मजा। और यहाँ पे देख सकते हो वुकोंग और यहाँ पे हमारा तत्सुयु का जो है कैरेक्टर है, ये दोनों एक्टिव स्किल के कैरेक्टर आप लेके यहाँ पे अलग लेवल का गेम प्ले कर लो। लेकिन ये सब आपको देखने मिलेगा अपडेट के बाद, कल मॉर्निंग में 9:30 बजे आप लोग को ये स्किल दोनों लेके खेलने का मजा मिलेगा। और इसी के साथ यहाँ पे हमारा जो रिमनाम विलेज है उसका यहाँ पे लुक चेंज किया गया है। भाई यहाँ पे देख सकते हो पहले कैसे था और अब अपडेट के बाद कैसा हो जाएगा। तो भाई कैसा लगा ये नया लुक नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मुझे पर्सनली बहुत ही जबरदस्त लगा। तो भाई यहाँ पे अब मजा आएगा खेलने के लिए, क्योंकि भाई यहाँ पे नया लुक नया भाई पूरा फीचर कर दिया गया है। ये भाई लग ही रहा नहीं है कि ये रिमनाम विलेज है, तो ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ पे आपको बता दूं पानी के अंदर आप भागते थे तो पहले रुक के चलता था, थोड़ा धीमा हो जाता था, लेकिन अपडेट के बाद यहाँ पे नॉर्मल भागे जैसे भागता है पानी के अंदर भी वैसी भागेगा, स्पीड आपकी पानी के अंदर स्लो नहीं होगी अब। और यहाँ पे आपको बता दूं इलाइट डीजे आलोक आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, अपडेट के बाद आप लोग को इलाइट डीजे आलोक और इसकी स्किल भाई बहुत ही जबरदस्त है। यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे देख सकते हो नोट छोड़ते जाएगा, मतलब इसका जो डीजे बनता है ना छोटा छोटा जाएगा, इस पे खड़े रहोगे तो यहाँ पे आपको हेल्थ रिकवर करने मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे हेल्थ रिकवर आप कर सकते हो पीछे पीछे से। और इसी के साथ यहाँ दिमित्री की नई स्किल ऐड की गई है, यहाँ पे अपने साथ अपने प्लेयर्स को भी यहाँ पे हेल्थ बढ़ाएगा। और यहाँ पे अगर आपका फ्रेंड डाउन हो जाता तो आप चालू कर दोगे तो आपके फ्रेंड को डायरेक्ट ऑटोमेटिक रिवाइव मिल जाएगा, उसको क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हो ये काफी अच्छा लगा मुझे अपडेट, और ये अपडेट के बाद भाई बहुत ही जबरदस्त का गेम प्ले होने वाला सबका। और भाई साहब थीवा कैरेक्टर की
स्किल एक सेकंड में रिवाइव करने वाली कर दिया, एक सेकंड में रिवाइव हो जाओगे आप। और इसी के साथ कपेला की स्किल भी भाई जबरदस्त, कपेला लेके खेलोगे तो रिवाइव करने के बाद आप अपने पार्टनर को एक्स्ट्रा एचपी दे सकते हो, जो कि भाई अगर कोई मारेगा तो वो डायरेक्ट डाउन नहीं होगा, तो ये अच्छी बात है। और इसी के साथ यहाँ पे ओलिविया की स्किल भी भाई बहुत अच्छी कर दी गई है, अगर ओलिविया लेके खेलोगे, अगर आपने मेडकिट मारा तो भाई आपके पार्टनर को भी यहाँ पे एचपी एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि ये जबरदस्त है। और भाई सब गेम अपडेट के बाद जैसे गेम स्टार्ट होने वाला रहेगा, लॉबी में आप कुछ इस तरीके से प्लेन के समझ लो अंदर रहोगे और आपको कुछ इस तरीके से लुक लगेगा, देख सकते हो क्या ही लुक लग रहा है देखने में। तो भाई पर्सनली मुझे ये अपडेट मस्त लगा, आपको कैसा लगा देख सकते हो। इस तरीके से आप प्लेन में आओगे, मतलब ऐसा लगेगा कि भाई आप प्लेन के अंदर सच में बैठे हो, जो कि यहाँ पे भाई मस्त फीलिंग आ रही है, तो ये अच्छा अपडेट लगा मुझे। और इसी के साथ यहाँ पे भाई साहब बैकपैक के अंदर जो भी आपके पास सामान रहता है ना, वो यहाँ पे स्टैकिंग वाला सिस्टम लाया गया, मतलब इसको आप एडजस्ट बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, मतलब एक एक सामान निकालने की जरूरत नहीं है, मतलब जितनी भी गोली है वो एक ही साथ आ जाएगी, और भाई यहाँ पे 30-30 गोली करके एक एक पूरा बैग भरा पड़ा नहीं दिखेगा, तो ये स्टैकिंग वाला सिस्टम बहुत अच्छा लाया है। और यहाँ पे देख सकते हो अगर आपको कुछ यहाँ पे निकाल के कम ज्यादा करना है तो इस तरीके से ऊपर नीचे ड्रैग करोगे तो गोली कम ज्यादा होगी। भाई ये वाला जो बैकपैक का अपडेट है ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो भाई साहब यहाँ पे और भी बहुत सारे चेंजेस किया गया है, तो भाई बहुत लंबी वीडियो बन गई है, और अपडेट के बाद आपको जो भी प्रॉब्लम आएगा, जो भी ग्लिच रहेगा, वो भाई आपको सही करके मैं बताऊंगा कैसे सही करना है, क्या जो भी प्रॉब्लम आया उसका सॉल्यूशन क्या है। तो भाई अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लेना, और यार वीडियो को शेयर करके लाइक करके जाना, और कमेंट मैंने गूगल प्ले का रिडीम कोड बिल्कुल फ्री में दिया है, जो कि मेरे हर एक वीडियो में आपको कमेंट बॉक्स में देखने मिलता है, तो जाके लूट लो। और अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो।